हाँ जी, कल मैंने आपको दो एडजस्टमेंट्स कराई थी. वन वाज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और दूसरी मैंने आपको करवाई थी फिक्स्ड असेट और डेप्रिसिएशन अकाउंट. फिक्स्ड असेट और डेप्रिसिएशन अकाउंट वाली ही अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एक उसमें, कि अगर आपको कल जो मैंने कराया था उसमें हमें दिया हुआ था फिक्स्ड असेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और दूसरा हमें दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और एक हमें एडजस्टमेंट दी हुई थी. अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें सिर्फ फिक्स्ड असेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दी हुई. तो आप क्या करेंगे, आप फिर से वैसे ही फिक्स्ड असेट अकाउंट बनाएंगे. मान लीजिए आपको दिया हुआ है फिक्स्ड असेट्स ओपनिंग है 1,60,000 की और क्लोजिंग दे रखी है 1,90,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 46,000 एंड 58,000. अब आपने क्या करना है, आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है. ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड असेट का आप लिखेंगे यहाँ पर बाय बैल सॉरी असेट है, असेट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखा जाएगा इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 1,60,000, और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिखा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दैट इज 1,90,000. डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 46,000, और इधर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन 58,000. अब आपको बैलेंस करना है. फिक्स्ड असेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 2,160 है और क्लोजिंग बैलेंस 190 है. कोई भी एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, यू विल राइट हियर टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा परचेज, और ये कितनी आ गई आपकी 30,000. क्लोज कर देंगे इसे. यहाँ पर आपका 46 है और ये है 58, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000, दैट इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. ये दोनों चीजें बैलेंस शीट में दे रखी थी एक ही जगह जाएंगी फिक्स्ड असेट अकाउंट में, ये दोनों बैलेंस शीट में दे रखी थी एक ही जगह जाएंगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में. ये हमारी जो बैलेंसिंग फिगर निकली 30,000 की परचेज, ये चली जाएगी आपकी एप्लीकेशंस में, और ये जो डेप्रिसिएशन निकला 12,000 का, ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते टाइम ऐड हो जाएगा. गॉट इट? यस मैम. ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें हमें तीनों चीज़ें बनानी है, स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी और फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी. From the following balance sheet of A company limited, prepare a schedule of change in working capital, a statement showing fund from operation and third is fund flow statement. तो मैंने आपको बताया था कि हम जो schedule of change in working capital बनाते हैं उसके लिए हमें four columns बनाने पड़ते हैं. पहला है यहाँ पर जो year हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे, let us take 2010-2011. यहाँ हमने लिखा इंक्रीज और यहाँ हमने लिखा डिक्रीज और यहाँ हमने लिखा पर्टिकुलर्स. फिर हमने यहाँ लिखा करंट असेट्स और फिर हमने लिखा करंट लाइबिलिटीज. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या दे रखी हैं. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 20
5000 मैं यहाँ पर बना रही हूँ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सो आई विल राइट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मुझे कितना दिया हुआ है 25000 डिविडेंड ऑफ। मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आपको शायद नहीं मिलेगा, मैं किसी और बुक में से करा रही हूँ, आप समझ लीजिए पहले। डिविडेंड ऑफ रुपीज 3000 वाज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 3000 वाज सोल्ड फॉर 2800 एंड ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज 15000 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग रुपीज 5000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 8000। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में से करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को छांटकर वर्किंग कैपिटल का चेंज निकालना है, तो वो क्वेश्चन में से मैं देख रही हूँ मेरे पास तीन करंट असेट्स हैं, सो आई विल राइट कैश, डेटर्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो तीनों लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। कैश है मेरे पास 12000 का और 13000 का, ये है मेरे पास 8000 और 19000, ये है 4000 और 5500। लायबिलिटीज मेरे पास हैं क्रेडिटर्स, दैट इज 7500 और ये है मेरे पास 11000। बिल्स पेबल है मेरे पास 1000 एंड इट इज 1500। नाउ वी कैन टेक द चेंजेस। 12000 से 13000 हो रही है तो इंक्रीज के कॉलम में कितना आ जाएगा 1000। 8000 से 19000 इंक्रीज के कॉलम में आ गया 11000। 4000 से 5500 अगेन इंक्रीज के कॉलम में आ गया 1500। नाउ आई विल मेक द टोटल ऑफ ईयर। मेरे पास 2010 में करंट असेट्स आ गई 24000 की और इधर आ गया 37500। यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी 3500 से 1000 से 1500 हो गई, अगेन बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई 500 से। नाउ लेट्स मेक द टोटल, ये आ गया आपका 8500, इट इज 12500। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वी राइट इट एज ए, वी राइट इट एज बी, दैट इज ए माइनस बी। 24000 माइनस 8500, इट इज 15500। 37,500 माइनस 12,500, इट इज 25,000। तो मेरे पास टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, इसको भी टोटल कर लेते हैं हम, ये आ गया 13,500 और ये है 4,000। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से इंक्रीज आ रही है, इंक्रीज कितनी आ रही है 9,500 की, 9,500 की मेरी इंक्रीज आ रही है वर्किंग कैपिटल में। तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज 9500। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अब हम बात करते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले लेने होते हैं नेट प्रॉफिट्स। अब नेट प्रॉफिट हमें दो दिए हुए हैं, एक तो हमें दे रखे हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन में नीचे दिए हुए हैं और दूसरे हमें दिए हुए हैं बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 6000 एंड 23000। तो आपके पास दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आप नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट वाला ले रहे हो, बैलेंस शीट में अगर आपको नेट प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ है, तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है जो बैलेंस शीट में जाता है वो कौन सा होता है, जिसमें से टैक्स भी कट गया, जिसमें से डिविडेंड भी कट गया, सब कुछ कट गया, उसके बाद वो बैलेंस शीट में गया। और अगर हम ये वाला प्रॉफिट उठाते हैं, ये पी एंड एल अकाउंट का ये वाला प्रॉफिट होता है जो पी एंड एल अकाउंट से आता है, इसमें से सिर्फ टैक्स कटा हुआ है, ना तो हमने इसमें से अभी जनरल रिजर्व माइनस किए हैं, ना हमने इसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। मुझे जो प्रॉफिट है वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन से। तो बिजनेस ऑपरेशन के अलावा मैंने अगर कोई भी खर्चा किया हुआ है, कुछ भी इधर उधर ट्रांसफर किया हुआ है, तो वो मुझे वापस ऐड बैक करना होता है। तो अगर मैंने इसमें से कुछ घटाया ही नहीं तो मैं वापस ऐड भी नहीं करूँगी। लेकिन अगर मैं ये वाले प्रॉफिट्स लेती हूँ तो इसमें से मैंने सब कुछ माइनस कर रखा है, तो मुझे वापस सब कुछ ऐड करना पड़ेगा।
इस बैलेंस शीट में मुझे प्रॉफिट्स जो दिए हुए हैं वो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। मुझे दिए हुए हैं यहाँ पर 6,000 और यहाँ पर 23,000, और ये वाले प्रॉफिट मुझे दे रखे हैं 25,000। तो मैं आपको दोनों तरीके से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। मेरे पास जो बैलेंस दिया हुआ था 6,000 और 23,000, उनका जो डिफरेंस था, जो मेरा इंक्रीज इन प्रॉफिट था, वो था इनका डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 17,000। मैंने आपसे कहा कि इसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट आते हैं, इसके बाद जो जो मैंने इसमें से काटा होगा वो क्या होगा, या तो मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा या मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे दिया गया है कि मैंने साल में 3,000 का डिविडेंड पे किया। तो मैं वापस ऐड कर देती हूँ डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड मैंने वापस ऐड कर दिया 3,000। उसके बाद क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिए हुए हैं, पहले साल के 10,000, दूसरे साल के 15,000। तो मैंने साल में कितना ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, 5,000 का जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया। पहले बैलेंस 10,000 था, अब कितना हो रहा है 15,000। तो ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व 5,000। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट वही आ गए जो एडजस्टमेंट में दिए हुए थे। तो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ये दो एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ये वाली एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया मेरे पास 25,000। अब मुझे देखना है कि अब इसमें और कौन कौन सी एडजस्टमेंट बाकी है। क्वेश्चन में दिया हुआ था नेट प्रॉफिट, वो ले लिया मैंने, डिविडेंड दिया हुआ है, देन मुझे इन्वेस्टमेंट की एक एडजस्टमेंट दे रखी है और मशीनरी की एक एडजस्टमेंट दे रखी है। अब मैं क्या कर रही हूँ इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट साथ साथ बना दे रही हूँ और एक एक करके क्वेश्चन में से आइटम्स पढ़ रही हूँ। जो आइटम फंड फ्रॉम ऑपरेशन की होगी वो ऑपरेशन में चली जाएगी, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट की होगी वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में चली जाएगी। करंट असेट और करंट लाइबिलिटी को मैं छोड़ दूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लिख दी है। तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 और 35,000। तो अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल पहले थी 30, अब हो गई है 35, तो कितनी बढ़ गई, 5,000 की कैपिटल बढ़ गई। तो आई विल राइट हियर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तो हाउ मच अमाउंट इट विल कम, 5,000। शेयर कैपिटल 30,000 से बढ़कर कितनी हो गई है 35,000। तो मुझे यहां पर लिखना है सोर्सेज और यहां पर लिखने हैं एप्लीकेशंस। जब कैपिटल रेज होगी तो मेरे पास पैसा आएगा तो वो मेरा सोर्स है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। देन सेकंड नंबर पे मुझे दिया हुआ है डिबेंचर्स, 15,000 से 25,000 हो गए, अगेन डिबेंचर्स इश्यूड, तो मेरा 10,000 का लोन बढ़ गया तो फंड्स आ गए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए 10,000। इसके बाद जनरल रिजर्व 10,000 से हो गए 15,000, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। देन P&L 6,000 से 23,000, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दिया हुआ है मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगी। यहाँ पर लिखा मैंने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मुझे दिया हुआ है 9,000 और यहाँ मेरे को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 13,000। देन मुझे दिए हुए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो मैं वर्किंग कैपिटल में दिखा चुकी हूँ। अब असेट साइड में आ जाते हैं। असेट में गुडविल दे रखी है 10,000 और 8,000, 10,000 से 8,000 हो रही है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, ऐड कर देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 2,000। देन मशीनरी का बैलेंस दे रखा है मुझे 40,000 और 70,000। मशीनरी अकाउंट कल बनाना सिखाया था मैंने आपको। ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 70,000। एडजस्टमेंट दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज 15,000, जिसके ऊपर 5,000 का डेप्रिसिएशन था, उसको 8,000 में बेच दिया, तो बाय कैश सेल कितने में किया 8,000, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000। मशीनरी थी 15,000 की, 15,000 की मशीनरी पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू आई 10 वाला मैंने 8 में बेच दिया, मेरे को लॉस कितना हुआ 2,000 का,
So I will write here by statement of profit and loss 2000. अब मैं मशीनरी अकाउंट को बैलेंस कर दूंगी, तो मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करने के बाद जो मेरे पास आएगा, आई विल राइट हेयर टू कैश दैट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर. तो मशीनरी की परचेज आ गई मेरे पास 44,000. ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ये इधर चला जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 5,000. 13 और 5 18 18 में से 9,000 का ये था बैलेंस, तो मेरे पास बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L साल का डेप्रिसिएशन आ गया 9,000. अब मुझे इन सब का ट्रीटमेंट करना है, इन सब का ट्रीटमेंट करना है. जो जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो तो एक ही जगह जाते हैं, तो उनको मुझे कुछ नहीं करना, वो यहीं पे लिखे हुए हैं, बाकी सब देखते हैं. कैश 8,000 की सेल, एप्लीकेशन में लिख दें सेल ऑफ मशीनरी 8,000. 5,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर चला गया, खत्म. फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 ऐड कर दीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000. देन ये भी हो गया 44,000 की परचेज, सॉरी ये सेल ऑफ मशीनरी मैंने यहाँ लिख दिया, सेल ऑफ मशीनरी आपकी सोर्सेज में आएगी, पैसा आ रहा है. सुन भी रहे हो, किसी ने बोला भी नहीं. परचेज ऑफ मशीनरी 44,000. अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन में. डेप्रिसिएशन में आपके पास है यहाँ पर 9,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो ऐड कर दीजिए बाय डेप्रिसिएशन 9,000. ये आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई 9,000. अब इसके बाद मशीनरी की एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3,000 और 8,000, और इन्वेस्टमेंट की भी एक एडजस्टमेंट दे रखी है. तो जिसकी भी एडजस्टमेंट दे रखी हो उसका अकाउंट बना लें तो इजी हो जाता है. इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, इट इज 3,000. क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 8,000, और एडजस्टमेंट दी हुई है कि हमने साल में 3,000 की इन्वेस्टमेंट 2,800 में बेच दी, इन्वेस्टमेंट हमने 2,800 की बेच दी, तो 200 का लॉस हो गया, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा. और ये सेल है हमारी, तो 3,000 और ये 3,000, कितना इधर 8 और 3 11 में से 3 चला गया. मेरे पास परचेज आ गई इन्वेस्टमेंट की दैट इज 8,000 की. अब इन्वेस्टमेंट ये तो हमने बैलेंस शीट से लिया था, कहीं नहीं जाएगा दोबारा. ये सेल किया है, सेल किया है तो अगेन सोर्स बन जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,800. लॉस है, फिर से ऐड हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 200. परचेज है, एप्लीकेशन में चली जाएगी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000. इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कैश डेटर्स स्टॉक. ये तीनों चीजें करंट असेट्स में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. लास्ट में दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स जो कि 500 था और बाद में कुछ नहीं, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ ऐड हो जाएगा प्लस डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 500. ये सारी चीजें ऐड करके मेरे पास आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 38,700 विच आई विल राइट इन माई सोर्सेज 38,700. और इधर मेरे पास आ जाएगी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. बताया था मैंने आपको कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ फंड. तो ये मेरे पास आ गई 9,500. अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो इसका टोटल मैच करेगा, ये आ जाएगा आपके पास 64,500. हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस क्लियर है मैम, क्लियर है.